तोड़ जवाब दिया, हम और ये हमारी पहचान है, हम वो लोग हैं जो बांसुरीधारी कृष्ण की पूजा करते हैं, वही लोग हैं जो सुदर्शन चक्रधारी कृष्ण को भी आदर्श मानकर चलते हैं। वार्निंग: This video contains super awesome content not suitable for people who don't enjoy super awesomeness. इस वक्त भारत के अंदर वो खौफ की फजा है जो माइनॉरिटीज और पर्टिकुलरली मुसलमानों के लिए अच्छी नहीं है. सो इंडिया की जो तकसीम की जा रही है वो तकसीम ये है कि जो इवन के वो लोग जो कहते हैं कि डायलॉग करना चाहिए, को एग्जिस्टेंस होनी चाहिए, जो फॉरेन पॉलिसी को अच्छे अंदाज में लेके जाना चाहते हैं और पाकिस्तान से अच्छे ताल्लुकात बात करते हैं, इंडिया में उनको एंटी नेशनलिस्ट कहा जाता है. और मैं डॉक्टर फिजा आपको बताऊं, भारत का जो मीडिया है वो इस सारे प्रोसेस को खराब करने में बहुत किरदार अदा कर रहा है. भारत के मीडिया को गोदी कहा जाता है क्योंकि ये वो मीडिया है जो नरेंद्र मोदी साहब की, बीजेपी की और आरएसएस की गोदी मीडिया कहा जाता है. इनको जो लिबरल लोग हैं वहां के वो ये कहते हैं कि ये दुनिया का वाहद मीडिया है जो ऑपोजिशन को तनकीद करता है, वरना पूरी दुनिया में ऑपोजिशन और मीडिया मिलके हुकूमत का जो पॉलिसीज है उनका जायजा लेते हैं. लेकिन जो हालात पैदा हो गए वहां पे, ना सिर्फ मुसलमानों को गद्दार एंटी नेशनलिस्ट की बात काट दी कमर, यानी हम ये कह सकते हैं कि भारत में मीडिया बिल्कुल आजाद नहीं है, यानी बीजेपी के खिलाफ एक जुर्रत नहीं कर सकता मीडिया के खबर चला सके. देखिए इसमें जाहिर बात है मीडिया की तकसीम करनी पड़ेगी, इंग्लिश मीडिया, उर्दू मीडिया और सोशल मीडिया, लेकिन इसका जो बड़ा चंक है वो मोदी साहब और उनकी पार्टी को अनकंडीशनली सपोर्ट करता है. और क्योंकि उनको एडवर्टाइजमेंट्स मिलते हैं और बहुत ज्यादा मीडिया, ये मजहबी तौर पे मोटिवेटेड है डॉक्टर साहबा, ये मजहबी तौर पे इंतहा पसंद है. जिस तरह किसी इंतशार फैलाया जाता है भारतीय मीडिया, मजहबी जमातें हालात खराब करती. इस वक्त इंडिया के अंदर बीजेपी एक मजहबी इंतहा पसंद जमात जो है वो हुकूमत का कंट्रोल कर चुकी है और वो इंडिया को एक मजहबी हिंदू रियासत बनाना चाहती है. इवन कि उन्होंने अपने सिलेबस से भी सेक्युलरिज्म और डेमोक्रेटिक फ्रीडम जैसे जो चैप्टर्स हैं वो निकाल दिए. सो इंडिया की डायरेक्शन दुनिया को पता नहीं, एक बिजनेस के हालात तो से शायद ठीक नजर आ रही हो, लेकिन इंडिया अपने सोशल कॉन्ट्रैक्ट इमरानी मुआहदे से हट चुका है जो 72 साल पहले भारत की सरकार ने अवाम के साथ किया था. बिल्कुल, जैसे कर्नल संत मेरे साथ हो पैनल शेरियर, जरा मुझे प्लीज बताइएगा. जी जी, आप कंटिन्यू कीजिए सर. कमर साहब कंटिन्यू. जी ठीक है कमर साहब, आपकी इजाजत से जरा कर्नल संत को शामिल गुफ्तगू करना चाहूंगी. कर्नल साहब हमारे साथ हैं, टेक्निकल फॉल्ट की वजह से मैं सुन नहीं पा रहे थे. आपकी इजाजत से मैं जरा कर्नल संत से एक सवाल पूछना चाहूंगी. कर्नल साहब, आपने एमन की गुफ्तगू सुनी, सवाल मैं दोबारा दोहरा देती हूँ. मैं पूछना चाह रही थी कि मैं जिससे भी बात करती हूँ प्रोग्राम में, 2 साल से मैं पाक भारत टाकरा प्रोग्राम कर रही हूँ बोल न्यूज से, आप लोगों की जानिब से ये जवाब आता है एनालिस्ट का कि जी वहाँ पे तो ऐसा कुछ नहीं हो रहा मुसलमानों के साथ. एमन ने जो पूरी अपनी दिल की जो हालत है, तमाम मुसलमानों की जो हालत है जिस पे सिर्फ अफसोस किया जा सकता है, हमदर्दी की जा सकती है, वो खुलकर बयान कर दिया इस प्रोग्राम में. आप एमन की बातों को झुठला सकते हैं? जी मैम, भारतवर्ष में सब लोग बराबर है, कॉन्स्टिट्यूशन राइट है, राइट टू इक्वलिटी. अच्छा, यानी आपने पहले की बात में कह दिया कि एमन झूठ बोल रही हैं. एमन में आपसे जवाब जरूर होंगी कर्नल साहब के, तो आप जरा गौर से सुनिए जी. कर्नल साहब डिडक्शन निकालना है, कर्नल साहब आप कंप्लीट करें. लेकिन मैं राइट टू इक्वलिटी, मेरा काम नहीं डायरेक्शन निकालना. मैं आप दोनों को भारत से, मैंने आप दोनों मेहमान मेरे साथ मौजूद हैं, एमन रिजवी भी मौजूद है, कर्नल साहब आप भी मौजूद हैं, आप दोनों बात करेंगे, उस बात सबके सामने होगी. मेरा क्या काम है निकालना डायरेक्शन? हकीकत पे मबनी होगी तमाम गुफ्तगू, देख लें, तमाम लोग खुद देख लेंगे. जी मैं आप ये देखिएगा जो अभी मैडम ने बताया था CAA के लिए भी, आप ये देखिए किसी भी हमारे मुस्लिम भाइयों की किसी की कोई नागरिकता गई क्या? मैं क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ. आप ये एक भी आदमी की कोई नागरिकता मुझे बता दें कि जो CAA जो एक्ट आया, सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट आया, क्या किसी की नागरिकता गई? मैं सबसे पहले विनम्रता से प्रश्न करना चाहता हूँ. नंबर दो, कुछ लोग, अच्छा जी मैं, कुछ लोग इसके खिलाफ में, अच्छा जरा बहुत मुश्किल हिंदी के अल्फाज प्लीज जरा कम यूज कीजिएगा. आपको पता है आपको बहुत ज्यादा उर्दू नहीं आती, हम ज्यादा हिंदी नहीं समझ पाते, तो कुछ जरा आसान लैंग्वेज में बात जरा कीजिए. वर्किंग लैंग्वेज
जी मैं आप लोगों से बहुत ज्यादा उर्दू नहीं बोलती क्योंकि आप लोग उसको समझ नहीं पाएंगे, प्लीज जरा जी। हाँ यस मैम, तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि हमारे देश के अंदर जितने भी राइट टू इक्वलिटी है और सबको बराबर अधिकार है, जिन लोगों को सीएए, जिनको जो मुस्लिम भाइयों को कुछ लोग गए और कोई मुस्लिम भाई के अलावा भी कोई लोग गए हुए सुप्रीम कोर्ट, ऐसा कुछ नहीं है, ये पूरा मीडिया में आया हुआ है कि कुछ लोग गए। तो मैं ये इस बात से ये कहना चाहता हूँ कि हमारे देश की जो पॉलिसीज है वो बड़ी ओपन है। और मैडम मैं ये बताना चाहता हूँ, हमारे जो है कलाम साहब राष्ट्रपति रहे हैं, वाइस प्रेसिडेंट रहे हैं, अंसारी साहब रहे हैं, और हमारे ब्यूरो के डिफेंस फोर्सेज में इतने बड़े सीनियर ऑफिसर रहे हैं। तो हमारे यहाँ तो हमारे मुस्लिम भाई अपने भाई है, उनकी देशभक्ति बहुत है। आप ये जो बात कह रहे हैं ठीक है, आप किसी हद तक ठीक कह रहे होंगे, लेकिन अभी बीजेपी की गवर्नमेंट जब से भारत में है, नरेंद्र मोदी साहब जब से आपके प्राइम मिनिस्टर हैं, तब से जो मामला है मुसलमानों के साथ, क्या वो ऐसे हैं जैसे आप बता रहे हैं? जी मैम, कोई मैं नहीं मान सकता इस बात को। मेरे जहां मैं रहता हूँ, मैं गुड़गांव में रहता हूँ, मेवात हमारे नजदीक है। और मैं एक चीज और भी जानना चाहता हूँ जो आपके माध्यम से बताना चाहता हूँ, जब बाबर साहब आए थे, जब लड़ाई बैटल ऑफ कन्वा की थी, मेवाती हसन साहब थे, उन्होंने कहा देखो मेरा रिलीजन अलग है लेकिन देशभक्ति मेरी है। मैं एक बात बनाना चाहता हूँ, हिंदू मुस्लिम एक रिलीजन की पद्धति है लेकिन हम लोग एक है। आप इस बात पे गौर कीजिएगा, सिर्फ एक पूजा का जो वर्शिप करने का तरीका है वही तो बदला है। तो आपकी ये इतना बड़ा सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर